अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास माशाल्लाह से बहार ही बहार है। रेसिपी आज मेरी लेंथी है और इसीलिए आज मैं बातें कम करूँगी और अपने काम पर ज़्यादा फोकस करूँगी। इसीलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं आज स्टेक। डाइट के लिए, डाइट वाले जो डाइट कर रहे हैं आजकल, उनके लिए तो बहुत अच्छी रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसकी आप एक दफ़ा वेजिटेबल वगैरह कर लेंगे ना, ओके करके रखेंगे, तो आपको ये बनाने में मुश्किल नहीं होगा। एक दफ़ा की मेहनत है तो उसके बाद आप मज़ा लेके खाएं। ये देखें, मैंने दो चशनी थी जिसको मैंने नाइफ़ के साथ पहले इसको हाफ किया और फिर इसको मैंने बीच में से अलग कर लिया। ठीक है, मतलब एक दो चेस्ट हमने ली थी जिसके हमने चार हिस्से कर लिए। ये देखिए, एक के चार हिस्से हो गए और एक के चार हिस्से हो गए। ठीक है, इसको मैं पहले कर चुकी हूँ। अब हम मैं एक आपको दिखाने के लिए इसको, या आप बेलना ले लें, अगर आपके पास ऐसा टूल नहीं है तो आप बेलने से कर लें या किसी हैमर दूसरे से कर लें, जो भी आपको ईजी हो। ये देखिए, हम इसको फ्लैट करेंगे। ये देखिए ज़ोर ज़ोर से नीचे। मैंने इसलिए चॉपिंग वाला रखा है, मैं तो एक मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, फ्लैट हो गया। इसमें और इसमें कंपैरिजन देखें। ये देखें, इसी तरह मैं सारे कर लूँ, फिर मैं मिलती हूँ। अब आते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चिकन हम ऐसे कर चुके हैं, ये देखें। अब हम अपनी पहले वेजिटेबल्स से शुरू करते हैं। ये मैंने दो तरह की आज मैं बना रही हूँ, दो तरह के स्टाइल से। मैं एक पाकिस्तानी स्टाइल और एक जो आप बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट में, वो स्टाइल। ये घर का स्टाइल एंड रेस्टोरेंट स्टाइल। रेस्टोरेंट स्टाइल में हमें चाहिए होंगी वेजिटेबल। ब्रोकली ली मैंने सबसे पहले, पाँच छः ले ली, उनको हमने ऐसे काट दिया। ठीक है, मैं अब फास्ट बोलूँगी। हमें चाहिए होगा स्प्रिंग ऑनियन, एक मैंने लिया। लेमन लिए मैंने, उसको मैंने इस तरह काट लिया। ये मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। ये देखें, हमने बीन्स ली, इसको हमने ऐसे लेंथ में काट लिया। ठीक है, दूसरी वेजिटेबल जो हमने ली है, फूल गोभी, गाजर, मटर, इनको मैंने इक्वल साइज़ में लेके, फूल गोभी का छोटा फूल लिया था, तीन गाजरें ली थी, और मटर मैंने ये वाला कप, डेढ़ कप मटर लिया। ठीक है, उसको हमने ज़रा सा, मैंने इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून सिरका डाल के इसको मैंने उबाल लिया। ठीक है, हल्का सा स्टीम दे लिया और वेजिटेबल हमारी कंप्लीट है। इसमें हमें आलू चाहिए होगी, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इसका हम क्या करेंगे। अब हम आते हैं अपने, एक कप हमें चाहिए होगा यखनी, जो हम इसकी वाइट सॉस बनाएंगे उसके लिए। एक कप दूध, क्रीम चाहिए होगी एक कप, मशरूम लिए हमने एक कप, ये हो गया एक कप। हमें चाहिए होगा स्वीट कॉर्न, मैंने चॉप गार्लिक लिया तकरीबन एक पूरा, सिरका लिया हमने ये हसब ज़रूरत। मैं आपको इंग्रेडिएंट जो है ना, मैं आपको बाद में साथ साथ बताऊंगी किस चीज़ पे कहाँ किस स्टेज पे कैसे यूज़ करेंगे। ये हमने लिया है बारबेक्यू सॉस और क्रीम। ठीक है, काली मिर्च हमें चाहिए, ऑयस्टर साइज सॉस, क्रश चिली, वाइट पेपर, नमक, गार्लिक पाउडर, सोया सॉस, और सम हमें चाहिए होगा पार्सले, ओरिगानो, मोंजरेला चीज़, बटर एंड ऑलिव ऑयल। ये ऑल हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये स्टेज किस स्टेज पे कब यूज़ होगा, ये मैं आपको साथ साथ गाइड कर दूँगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमने जो चिकन अपना लिया, हम एक बाउल लेंगे, उसमें मैं डालूँगी अपनी सॉसेस। ये हमने ऑयस्टर साइज सॉस डाली, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। ठीक है, ये मैं दो आधी अब यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन मैंने इसमें डाल रही हूँ, आप समझ लें, मैं आपको टी स्पून से बता देती हूँ, 1 टी स्पून। ठीक है, 1 टीस्पून हमने डाल दी इसमें रेड चिली फ्लिक्स, इसमें चाहिएगी वाइट पेपर तकरीबन 1/2 टीस्पून। ठीक है, नमक हम बहुत सोच समझ के डालेंगे कि नमक इस हर चीज़ में होता है, इसमें ऑयस्टर साइज सॉस में भी होगा, इसमें सोया सॉस में भी होगा, इसलिए मैं तकरीबन टीस्पून का 1/3 डाल रही हूँ। इसमें हम डालेंगे गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून। ठीक है, और सोया सॉस जाएगी 1 टेबल स्पून। ठीक है, और 1/2 टीस्पून डालेंगे हम काली मिर्च। ठीक है, अब इनको हम मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी, दो इंग्रेडिएंट और हैं मेरे अभी, मैं इनको पहले मिक्स कर लूं ताकि हमारा ज़रा जल्दी जल्दी फास्ट काम हो। अब मैं इसमें डालूंगी बारबेक्यू सॉस 3 टीस्पून, 1 टेबल स्पून होगा, और टी स्पून लेंगे तो मैंने 3 डाले। ठीक है, सिरका लूँगी मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ये मैं अंदाजे से डाला है क्योंकि खाना पका के इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है इंसान को। ये देखें, अब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करें
अगर ऐसे आप मिक्स करके अलग से बाउल में अगर आप ऊपर डालेंगे तो फिर कहीं नमक का टेस्ट आएगा तो कहीं मिर्च का। इसको आप अच्छी तरह एक बाउल में मिक्स कर लें। ये देखें कितनी मज़े की मैरिनेशन लग रही है। अब मैं इसमें चिकन डाल के इसको मैरिनेट करूँगी। अब मैं साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी एक हाथ से, ताकि जो चिकन है हमारा चारों तरफ से इसको मसाला लग जाए। ये देखें इसको हम रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। उतनी देर हम करेंगे अपनी वेजिटेबल रेडी और साथ ही मैं चिकन रख दूँगी। ठीक है, इसको हम रखेंगे 30 मिनट के लिए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए मसाला लग गया। अब हम इसको रखेंगे एक साइड पे 30 मिनट के लिए। उतनी देर हम वेजिटेबल रेडी करते हैं। अब हमने जो मैरिनेट करने रख दिया चिकन, अब ये देखें ये पोटैटो ले लें। मेरे पास ज़रा छोटे साइज़ के हैं, आप बड़े साइज़ के ले लें तो बेस्ट है। बड़े साइज़ के 3 आलू ले लें आप। इनको बेक करने हैं, सिंपल हमने कुछ भी नहीं करना। इनको फॉइल पेपर में लपेट के हमने बेक करना है। तकरीबन प्री हीट ओवन मैंने करने रख दिए है तकरीबन 10 मिनट पहले। इसको हम करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए 280 डिग्री पे। इसको मैं रख लूँ फिर मैं आती हूँ। पैन मैंने ले लिया। आप नॉनस्टिक पैन कोशिश करेंगे लेंगे तो आपकी माशाल्लाह से क्विक वेजिटेबल तैयार होगी। मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा बटर। अब जैसा कि मैंने बोला कि डाइट कर रहे हैं, तो अगर आप माजरे नहीं यूज़ करना चाहते तो आप अपना घर में निकला हुआ मक्खन थोड़ा सा ऐड कर लें। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मेल्ट होगा। इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑलिव ऑयल, जस्ट बस 1 टीस्पून जितना। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने लहसुन पहले थोड़ा सा, जस्ट 1/2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इस स्टेज में मैं इसके साथ लहसुन के साथ इसको थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हो जाए, कच्चापन इसका दूर हो। क्योंकि लहसुन अगर हमने डायरेक्ट बाकी अपने वेजिटेबल ऐड की तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। इसलिए मैं इसको ज़रा थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लूँ फिर मैं मिलती हूँ। ये देखें लहसुन हमारा हो गया लाइट कलर जो हमें चाहिए था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन ऑनियन, उसका वाइट पार्ट पहले हम यूज़ करेंगे। और साथ में मैं ऐड करूँगी लेमन। ये आप एक दफ़ा रेसिपी ट्राई करें, क्योंकि रेस्टोरेंट आपको पता है फिर से बंद हो गए हैं और इंसान का दिल चाहता है कि तरह तरह के फ्लेवर खाए। तो आप ये रेसिपी जो जो मैं आपको बताती हूँ एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई तो करके दिखा करें। मुझे लगता है मेरे देखने वाले जो जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, वो बस देखते ही हैं, फॉलो कोई नहीं करता, कोई बना के नहीं देखता। एक दफ़ा मेरे कहने पे आप बना के देखें। ये देखें सौते हो गया। अब हम ये सारी वेजिटेबल अपनी जो है ना सिवाय ग्रीन ऑनियन के, वो मैं लास्ट पे डालूँगी। ये बीन्स चली गई, वेजिटेबल तो हमारी क्विक हो जाएंगी, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं वो तो हम ऑलरेडी उनको स्टीम दे चुके हैं। और ये जो ब्रोकली एंड जो है बीन्स, इसको मैं 1 मिनट सोते कर लूँ, फिर हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस, ये अपना बाकी का जो ऑनियन बचा था वो, ताकि इसमें ना बीच में थोड़ा सा मिक्स हो गया था वाइट पार्ट भी। तो मैं चाह रही हूँ कि हम इसको इकट्ठे को सारी वेजिटेबल्स हमारी जो है ना सोते हो जाएँ। और लास्ट से हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्वीट कॉर्न। पहले हमारी वेजिटेबल सोते हों फिर हम डालेंगे इसमें स्वीट कॉर्न एंड स्पाइस। अब स्पाइसेस डालने शुरू करते हैं। इसमें थोड़ी सी डालूंगी मैं जस्ट चुटकी चिली फ्लेक्स, काली मिर्च तकरीबन 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें तकरीबन नमक। नमक का हम बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ी सी सोया सॉस 1/2 टीस्पून जितनी, और वाइट पेपर। और इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि आपकी वेजिटेबल थोड़ी सी अगर नीचे लग रही है तो मैं इसमें थोड़ी सी यखनी ऐड करूँगी, क्योंकि जो वेजिटेबल है हमारी लगनी नहीं चाहिए। थोड़ी सी मैंने इसमें जस्ट 2 टेबलस्पून यखनी डाल दी है। अब मैं इसको ज़रा कवर करके
मिनट के लिए छोड़ती हूँ ताकि ज़रा ब्रोकली और ये गल जाए अच्छी तरह। वेजिटेबल हमारी माशाल्लाह से डन है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न। वेजिटेबल आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हैं, आप चेरी टमाटो डाल सकते हैं, आप इसमें अगर चाहें तो मशरूम डाल सकते हैं, अगर सॉस में भी एक्स्ट्रा पसंद करते हैं तो आप इसमें मशरूम डाल सकते हैं कलर्स के लिए। इसमें अगर चेरी टमाटो नहीं मिले, अगर वो होते तो उससे इसका कलर और अच्छा हो जाता। अगर आपको अवेलेबल हो तो आप वो भी इस स्टेज पे वो डाल लें। दूसरे हमारे जो टमाटो थे वो भी मैं चाह रही थी कि डालूं, लेकिन वो फिर मुझे अच्छे नहीं लगे, वो मैंने नहीं डाले। अगर वो आप रेड डालेंगे ना तो देखिएगा आपका कलर कैसा माशाल्लाह सुभान अल्लाह हो जाएगा। ये वेजिटेबल हमारी डन है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमने डाल दिया इसमें 1 टीस्पून बटर एंड 1/2 टीस्पून तकरीबन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, ठीक है। अब ये रेसिपी, ये जो वेजिटेबल्स हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इसको हल्का सा कुक कर चुकी हूँ। अब इसमें वैसे ही जैसे मैं हमने पहले लहसुन थोड़ा सा ऐड किया था, जस्ट 1/2 टीस्पून जितना, इसको हम थोड़ा सोते करेंगे, लाइट पिंक कलर हो जाए इसका, कच्चापन दूर हो जाए। और साथ साथ मैं इसमें डालूँगी सीजनिंग अपनी, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, वही जैसे हमने अपनी दूसरी वेजिटेबल्स में यूज़ किया, काली मिर्च, साथ साथ मिक्स करेंगे ताकि जल ना जाए। नमक थोड़ा सा मैं डालूँगी तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा, ठीक है। साथ साथ चम्मच चलाते रहें, तकरीबन 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी वाइट पेपर, और इसमें थोड़ा सा मैं सोया सॉस ऐड करूँगी तकरीबन 1/2 टीस्पून इसमें, ठीक है। थोड़ा सा 1/2 सिरका एंड थोड़ी सी इसमें जाएगी बारबेक्यू सॉस, ये हम डिफरेंट स्टाइल के ज़रा बना रहे हैं, थोड़ी चटपटी टाइप। अब हम इसमें ऐड करेंगे साथ ही अपनी वेजिटेबल। अगर कोई गिर विर जाए तो आई एम सॉरी। अल्लाह की शान है ना माशाल्लाह, कितनी प्यारी प्यारी वेजिटेबल्स हैं और हेल्थ के लिए भी उतनी ही अच्छी हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन सी, लेमन में विटामिन सी मिलेगा आपको जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत, स्किन के लिए, नाखूनों के लिए, सबके लिए अच्छी होती है। बस एक मिनट और सोते कर लूँ फिर मैं आपको देखती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह शाइन देखें आप वेजिटेबल्स ये देखो। अगर इसको आप जैसे मैंने आपको बताया स्टीम करके करेंगे ना तो इसको आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और कलर भी इनका ठीक रहेगा, ठीक है। ये डन है, नेक्स्ट टाइम पे आ गए हैं। अब हम ये देखें आलू, मैंने थोड़े से इनको मैंने उबाइल किया पहले, उनको हमने हाफ कट करके ऊपर हम थोड़ा सा इस पर डालेंगे ऑलिव ऑयल, जस्ट लाइट लाइट सा, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना मैं यूज़ करूँगी। इस पर डाल दिया, अब इस पर डालेंगे हम नमक, नमक हम बाद में भी यूज़ करेंगे वो फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम क्या कर रहे हैं। नमक, काली मिर्च हमने थोड़ी सी छिड़क दी। अब मैं फॉइल पेपर मैंने नीचे पहले बिछाया है इसके, अब एक और लेके इसको हम ऐसे जस्ट अच्छी तरह कवर करेंगे ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। अब मैं इसको ओवन में रखूँ फिर मिलती हूँ। तरह का आपके पास स्टेक बनाने के लिए ग्रिल पैन मस्ट चाहिए आपको, अगर नहीं भी है, ये नहीं कि आप नहीं बना सकते, तो फिर आप तवे का यूज़ कर लें। या मैं इसमें डालूंगी बटर, साथ में डालूंगी इसके तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन, ठीक है। अब इसको हम ज़रा थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी अच्छी तरह ताकि जब मैं चिकन अपने डालूं इसमें तो अच्छी तरह मेरा जो है फ्राई पैन के नीचे चिकन फौरन लग ना जाए। अब ऐसे का एक मैं लेके उसमें ये देखें एक एक पीस हम उठाएंगे और ऐसे रखते जाएंगे।
ताकि मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि काम हमारा ज़रा लेंथी है और इसीलिए हम क्विक क्विक लगे हुए हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये आई थिंक दो दो में बनेगा। अब मैंने डाल दिया, अब इसको हम बंद कर देंगे। अब ये तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको लगेंगे। तकरीबन 5 मिनट मैं इसको खोल के इसकी साइड चेंज करूँगी और फिर 5 मिनट इसको और देंगे। ये इंशाल्लाह कितने टाइम में कुक हो जाएगा। मैंने इसकी तो साइड चेंज की थी। ये देखें, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन भी हमारा डन है, वेजिटेबल हमारी ऑल्सो डन है। अब मैंने एक पैन ले लिया जो डीप है थोड़ा, इसमें हम बनाएंगे अब सॉस। मक्खन 1 टेबल स्पून जितना होगा ये तकरीबन, ठीक है। ये डल गया, अब इसमें हम डालेंगे अपना एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल 1 टेबल स्पून जितना। इसको हमने जस्ट इतना नहीं ज़्यादा, बस ये मेल्ट हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा ये देखें 1 टीस्पून जितना लहसुन डालूँगी मैं इसमें। आपको अगर गार्लिक ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, ठीक है। इसका लाइट सा कलर चेंज होता है ना, फिर मैं मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, खुशबू आ रही है कि मैं को क्या बताऊँ। अब हम इस स्टेज पे इसमें डालेंगे मशरूम। मशरूम आपको पता है कि थोड़े से इसको देर लगेगी हमें पकाने में। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी यखनी और इसको हम ज़रा थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसको ज़रा पकने देंगे। और इसमें थोड़ी सी मैं चाहती हूँ कि सिरका ऐड करूँ 1 टीस्पून। अब इसको हम पकने देते हैं ज़रा 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गए इसको होते हुए। अब हमारी जो सॉस जो है ना वो तैयारी के मरहले में है। मैंने आग इसकी कर दी आहिस्ता, क्योंकि जब भी हम वाइट चीज़ कोई भी ऐड करें तो इसकी जो फ्लेम है वो लो करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक मैंने आपको कितनी दफ़ा आगे भी रिपीट किया है कि हम सोच समझ के डालेंगे। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स अगर आपको पसंद हो, ये मैं अपने फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ तो इसमें गलती नहीं है। 1/2 टीस्पून हम डालेंगे वाइट पेपर, सोया सॉस 1/2 टीस्पून नहीं है ये तकरीबन 1/2 टेबल स्पून सॉरी, और 1 टेबल स्पून है इसमें हम जाएंगी बारबेक्यू सॉस। सब कुछ हमारा आप क्विक क्विक डलेगा। अब उसमें हम डालेंगे थाइम, ओरिगानो पहले थोड़ा सा जस्ट, और रोज़ मेरी या पार्सले कोई भी हर्ब आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप थोड़ा सा जस्ट इसमें स्मेल के लिए हम डालेंगे। वैसे इसमें वो थाइम भी डलता है, वो भी आप डाल दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना ये जो टिन था इसमें पानी बच गया था, ये मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम, सब कुछ हम डाल के इसको जस्ट पकाएंगे। फिर हमने इसकी गाढ़ा करना है और इसको हमने सर्व कर देना। फिर हमारी सॉस तैयार है। ये मोन्जरेला चीज़, इसको मैंने थोड़ा सा ओवन में घुमा लिया था, आप चाहें तो वो डाल लें, और 1 कप दूध। ये सब कुछ हमारी चीज़ें डल गई हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आग तेज़ करके इसको मैं अब चलाऊँगी। इसको तकरीबन इसको हम इतनी देर चलाएंगे कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, ठीक हो जाए। चम्मच हम मुसलसल चलाएँगे इसमें। जैसा कि आपको क्रीम नज़र आ रही होगी थोड़ी सी फटी फटी टाइप हो गई, अभी ये ज़रा गाढ़ी होगी तो ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अब मैं आपको मिलती हूँ 1 मिनट बाद। ये देखें 1 मिनट बाद हम आना भूल गए थे, तकरीबन 5 मिनट लिए हैं इसने। ये देखें चम्मच हमने मुसलसल चलाया है। ये देखें जब इतनी ठीक हो जाएगी तो आपने इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है, ठीक है। दूसरी तरफ मेरा कैमरा मैन दिखाया कि ये हमारे पोटैटो जो हमने रखे थे वो डन है,
ठीक है, इसकी अब हम करेंगे असेंबलिंग, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। अब हम सबसे पहले पोटैटो की जो स्किन है रिमूव करेंगे। बाज को स्किन के साथ खाना पसंद होता है और बाज ऐसे, तो हाफ तरीके से मैं आपको बताऊँगी, स्किन के बगैर और स्किन के साथ। चिकन हमने डाल दिया, अब हम डालेंगे अपनी वेजिटेबल्स। एक पोर्शन हमारा वेजिटेबल का आ गया, अब हम डालेंगे इसमें अपने बेक पोटैटो। अब मेरे बच्चों ने स्किन रिमूव नहीं करने दी, उन्होंने कहा मम्मा हमने ऐसे ही खाना है, तो मैंने बच्चों ने फिर हम ऐसे ही रखते हैं जैसे खाना तो बच्चों ने है, जैसे आपको रिक्वायर्ड हो। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी यम्मी यम्मी मशरूम सॉस। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हम स्टेक पे डालेंगे, आप सम चाहें तो थोड़ा सा वेजिटेबल पे, जैसे मैं ये थोड़ा सा वाइट इसकी सॉस टच दे रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी एक डिश रेडी है, देख सकते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हम टेस्ट करते हैं, पहले दूसरी डिश में रेडी कर लूँ। जैसा हमने वो किया, हम दूसरी डिश रेडी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, ये आ गई सॉस और सॉरी वेजिटेबल्स एंड सम बेक पोटैटो। इसकी जो सॉस है वो हम सिर्फ स्टेक के ऊपर ऐड करूँगी मैं। सॉरी, थोड़ी सी हलचल, काम ज़्यादा इसलिए हुई हुई है। ये बस, अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन स्टेक हमारा रेडी। अब है टेस्ट टाइम। सबसे पहले मैं काटूंगी स्टेक, मैं पहले स्टेक का टेस्ट लूंगी सॉस के साथ। ओहो, सुभान अल्लाह, अपनी मेहनत खा करें, खाएं उछ ना, मुँह पानी आ रहा, कह रही मम्मा प्लीज जल्दी करें, मैंने भी खाना है। अब मैं खाऊंगी वेजिटेबल्स। सुभान अल्लाह, आप रेस्टोरेंट का जाना भूल जाएंगे। अब मैं लूंगी बेक पोटैटो एंड चिकन। टू डिलीशियस। अब मैं इसका करूंगी ब्रोकली, वेजिटेबल्स का, और अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन दोनों सेम है, वेजिटेबल्स ये भी बहुत अच्छी कुक हुई हैं, ये भी बहुत अच्छी कुक हुई हैं। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, दुआ में मुझे याद रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।